नमस्कार, स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम न्यूज एनालाइज करने वाले हैं जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एज वेल एज और दूसरे जो हायर लेवल के कंपटीशन हैं, जिनमें करेंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से बनते हैं, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या वैसे टर्म्स का कहीं ना कहीं डिस्कशन किया हुआ होता है आए दिन के न्यूज पेपर्स में। तो अपने पास है सबसे स्टैंडर्ड न्यूज पेपर द हिंदू, और फर्स्ट आर्टिकल है द वेरी फर्स्ट आर्टिकल कि WHO रिकमेंड्स फर्स्ट एंटी मलेरिया वैक्सीन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके चीफ हैं, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको नाम याद रहेगा, ऐसे नाम तो उनका बहुत लंबा है लेकिन याद रखने के लिए डॉक्टर टेड से अच्छा कुछ भी कोड नहीं होगा। डॉक्टर टेड का कहना है कि अब एंटी मलेरियल वैक्सीन जो 2019 में ऑलरेडी पायलट प्रोग्राम के तौर पर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में एडमिनिस्टर किए गए थे मलेरिया अफेक्टेड लोगों पर, अब पूरे अफ्रीका में अप्लाई किया जाना चाहिए, पूरे अफ्रीका को एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए ये वैक्सीन, इंजेक्ट किया जाना चाहिए ये वैक्सीन, ऐसा कहना है WHO का। उन्होंने रिकमेंड किया है तो ऑब्वियस ही बात है होना है। देखिए दो तीन टर्म है इसमें। WHO आपको पता होना चाहिए सारा कुछ WHO के बारे में, 48 की कहानी से लेकर के और अभी डॉक्टर टेड तक, COVID-19 की कहानी से लेकर के इसका हेडक्वार्टर तक। एंटी मलेरिया मलेरिया प्लाज्मोडियम याद होगा आपको, बहुत बेसिक चीज है। एंटी मलेरियल वैक्सीन जिसका नाम है TRSS या मॉस्क्यूरिक्स, ये देखिए वो वैक्सीन है। इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लंबे टाइम तक आपका पेपर होने तक, रिजल्ट आने तक आपके दिमाग में ये रहे। ये मॉस्क्यूरिक्स है, इसे बनाया है यूके की एक कंपनी ने जिसका नाम है GSK। नाम भी बहुत आसान है याद करने का, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ये वैक्सीन डेवलप किया गया है GSK के द्वारा, जो यूके बेस्ड एक मेडिसिन बना मैन्युफैक्चरिंग करने की कंपनी है। इस GSK का पूरा नाम है GlaxoSmithKline, GSK GlaxoSmithKline। आप GSK भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। GSK कहां का? यूके का। GSK कहां का? यूके का। क्या बनाया है इसने? वर्ल्ड का पहला एंटी मलेरियल वैक्सीन, मलेरिया से बचने के लिए एक ऐसा वैक्सीन जिसकी इफिकेसी 77% है। कितना परसेंट है? 77% है, 77। 100 इंजेक्शन अगर, 100 वैक्सीन अगर यूज में आए तो 77 तो काम कर ही जाता है, है ना, 77% इंप्रूवमेंट हो जाता है इसका। एंटी मलेरियल वैक्सीन को फर्स्ट टाइम एडमिनिस्टर किया गया था, इंजेक्ट किया गया था 2019 में। तो आप इस गलतफहमी में ना आ जाए कि अच्छा 2021 में हम डिस्कस कर रहे थे अक्टूबर में, तो कहीं ना कहीं अभी हुआ होगा क्योंकि WHO रिकमेंड कर रहा है। होता क्या है, किसी भी वैक्सीन को ग्लोबली रिकमेंड करने से पहले उसे पायलट बेसिस पर सैंपल के तौर पे यूज करवाया जाता है। इस वैक्सीन का नाम है RTS या मॉस्क्यूरिक्स, यहां मेंशन है RTSS। इसका एक और नाम है AS01 कह सकते हैं आप, RTSS ज्यादा फेमस नाम है, या मॉस्क्यूरिक्स आप कह सकते हैं इसको। ये मलेरिया ट्रांसमिशन को रोकता है। सब सहारन अफ्रीका एक अलग इंटरेस्ट वाली चीज है। चिल्ड्रन जो सब सहारन अफ्रीका में है, जहां ज्यादा मलेरिया के केसेस होते हैं और इससे रिलेटेड डेथ होती है, उनको टारगेट किया गया है। सब सहारन, सहारा के आसपास के जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सारे सब सहारन में आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसे वाइंड अप करने से पहले रिवाइज करता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर्वे सर्वा अभी डॉक्टर टेड हैं, डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो वर्ल्ड का पहला एंटी मलेरियल वैक्सीन है जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स कह लें या TRSS, मॉस्क्यूरिक्स या RTS
एस यहाँ मेंशन है, आरटीएसएस, मॉरक्यूरिक्स नहीं मेंशन है, वो यहाँ मैंने लिख दिया है, इन दोनों नाम से जाना जाता है, उसे इंजेक्ट किया जाए सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में चिल्ड्रन को। क्या फर्स्ट टाइम इंजेक्ट किया जा रहा है? नहीं, 2019 में अफ्रीका के 3 कंट्रीज में ऑलरेडी किया जा चुका है, केन्या, घाना, युगांडा। अब पूरे सब सहारन कंट्री की बात हो रही है, धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे बात होगी। आगे चलते हैं, यूके बेस्ड कंपनी जीएसके ने बनाया है, ये भी याद रखें, 100% इफिकेसी नहीं है, किसी भी वैक्सीन की इफिकेसी 100% नहीं होती है। ये था अपने लिए आज का पहला न्यूज आर्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। बाकी की जो चीजें हैं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल दिख रहे हैं लेकिन ये अपने काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है कि या तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, या जस्ट एक एडवाइस होगा किसी एक लीडर का दूसरे लीडर को, एक पार्टी का दूसरे पार्टी को, एंड सो ऑन। रही बात यहां जो दिख रहा है अपने को कि एससी डिसाइड्स टू हियर केस ऑन यूपी, ये सीओ मोटो वाला केस आपको बता चुका हूं मैं, आर्टिकल 124 का डिस्कशन अपन कर चुके हैं, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं आया है। हाई कोर्ट ने सीओ मोटो लिया था, किसमें? रोहिणी वाल, रोहिणी कोर्ट जो दिल्ली में पड़ता है, वहां के गैंगस्टर का जो इनकाउंटर था उसमें उसने सीओ मोटो केस लिया था। 124 नंबर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और 214 नंबर हाई कोर्ट को देता है। इधर है कि बंगाल फ्लड के बारे में कहा जा रहा है, आपको पता होगा एक नदी है जिसे वैसे तो पहले जाना जाता था उसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से, कोसी। एक दूसरी नदी है महानंदा, उसके नाम पे एक ट्रेन भी है। एक और नदी है हुगली, जिसे गंगा का एक पार्ट माना जाता है, और एक और नदी है ब्रह्मपुत्रा। इन सबके पार्ट्स, इन सबके ये सारी रिवर वेस्ट बंगाल से होकर फ्लो करती हैं। तो इनका कौन किसका ट्रिब्यूटरी है ये आपको याद हो ज्योग्राफी के हिसाब से, बंगाल फ्लड से तो हम यही सीखेंगे। बाकी ममता ने कितना मांगा है ये अपने काम की चीज नहीं है, और कितना उनको मिलेगा ये अलग चीज है। यहाँ जो शॉर्ट आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, यही आगे चल करके लॉन्ग आर्टिकल्स मिलेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई आप हमारी बात तो मानते नहीं है, तो एक काम कीजिए, जॉब प्रमोशन में आप ही कोटा बता दीजिए कि कैसे कैसे दें, किसका कितना रिजर्वेशन रखें, है ना। इसको डिटेल में देखेंगे अभी आगे, जब अपने को लॉन्ग टाइप में ये मिलेगा आर्टिकल, यहाँ पे उसका जस्ट इंट्रो है। एक और न्यूज आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है, वो है S-400 डील पर। ये S-400 है क्या? S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं पाइप जैसे, इनके अंदर मिसाइल्स होते हैं। रसिया ने कई बार अपने परेड्स में इनको एग्जिबिट किया है, इनका एग्जिबिशन लगवाया है। ये अभी रसिया से इंडिया आ रहा है S-400, S फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल, 400 का मतलब 400 किलोमीटर तक मार करने वाला, बहुत ही अपडेटेड और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट वेपन है ये, सिस्टम है ये, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है ये, जो इंडिया को अभी अक्टूबर नवंबर इसी साल मिलने वाला है। ये डील हुआ था आज से लगभग 3 साल पहले, नवंबर 2018 में। कब हुआ था? नवंबर 2018 में। अब नवंबर 2018 में जब ये डील हुआ, तो उससे पहले यूएसए ने एक, यूएसए का एक्ट है और वो एक्ट कहता है कि अगर कोई किसी दूसरे कंट्री से एक्सेप्ट यूएस हथियार खरीदता है तो वो उसके इस एक्ट के अंदर आएगा और उस पर बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी। मैं फिर से आपको दोहराता हूं, नवंबर 2008 में इंडिया और रसिया ने, इंडो रसिया डील हुआ लगभग $5 बिलियन का डील हुआ, जिसमें रसिया से 5 यूनिट मांगे गए S-400 के। रसिया ने कहा ठीक है 2021 में डिलीवर कर देंगे, और अब जब पहली खेप आने वाली है अक्टूबर 2021 में, तो यूएसए ने कहा है कि मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वाला जो एक्ट है काट्सा,
काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, काटसा जो 2017 का अमेरिकन एक्ट है डिफेंस से रिलेटेड, काटसा इसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगर कोई भी कंट्री अमेरिका के एनमिटी वाले कंट्री से, उसके एडवर्सरी से, उसके कंपटीटर से कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें खरीदता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा इस एक्ट के थ्रू। ये एक्ट यूएसए ने 2017 में पारित किया था। इंडिया और यूएसए का रिलेशन हमेशा नॉर्मल ना होने की एक वजह यह भी है कि इंडिया उसके एक्ट्स को जल्दी मानती नहीं है, सारे एक्ट्स को। आप देख लीजिए 2017 में वो काटसा लाया, 2018 में हमने डील किया कि भाई हमें S-400 चाहिए और S-400 अब मिलने वाला है। सो इसमें अगर कुछ खास है तो वो ये है कि ये 400 का मतलब 400 किलोमीटर से है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहां से कहां? सरफेस टू एयर। जनरली ज्यादातर सरफेस टू एयर ही होते हैं, जमीन से हवा में मार करने वाले। और यूएस कह रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम S-400 ले रहे हो तो हो रही है तो हो भाई, तुम अपना काटसा अपने पास रखो। आगे की बात करें तो केमिस्ट्री में आज नोबेल प्राइज मिला है, कल फिजिक्स में मिला था एनवायरमेंट से रिलेटेड मॉडल बनाने के लिए, आज केमिस्ट्री में मिला है। और जिन सज्जन पुरुष को ये मिला है पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, उनके नाम और भी सज्जन जैसे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नोबेल प्राइज के लिस्ट में जिस पर्सन को नॉमिनेट किया गया है केमिस्ट्री के लिए, उनका नाम भी बेंजामिन लिस्ट है। बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के रहने वाले हैं, इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक और है डेविड मैकमिलन, ऐसे तो ये यूएस में रहते हैं लेकिन ये स्कॉटलैंड में बॉर्न है। मैं ये कंट्री इसलिए बता रहा हूं, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज डेविड मैकमिलन को मिला है, बताइए वो किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो रहने वाले तो वो यूएस के हो गए। अब अगर बर्थ पूछे तो स्कॉटलैंड के हैं, अगर लिस्ट साहब के बारे में पूछे, बेंजामिन लिस्ट, नाम देखिए कितना सिंपल है, नोबेल प्राइज के लिस्ट में इस बार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन है ना, यूएस के हैं तो इनका नाम तो ऐसे ही होगा, फ्रैंकलिन डेविड मैकमिलन, इनको नोबेल प्राइज मिला। ये तो बात हो गई नोबेल प्राइज जिनको मिला है उनकी केमिस्ट्री में, मिला किस लिए है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनको नोबेल प्राइज मिला है मॉलिक्यूल डेवलप करने के लिए। मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूल, इसके डेवलपमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। इस मॉलिक्यूल का नाम है एसिमेट्रिक, यहां नाम देखिए दिख रहा है आपको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट कर सकते हैं इसे सॉरी एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। इस मॉलिक्यूल के डेवलपमेंट के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। उम्मीद है अब आपको याद रहेगा। बहुत सारे आर्टिकल रिपीट होते हैं डेली पेपर में, दो चार दिन के अंतर पे या 15-20 दिन के अंतर पे। ये आजकल कल भी आया था जज के ट्रांसफर से रिलेटेड, आज टॉपिक अलग है बट कहीं ना कहीं ये जज ट्रांसफर को लेकर के है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से रिवाइज करवाता हूं। आर्टिकल 222, नाम कितना सुंदर है, 222। 222 नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। कंडीशन है कि उनको सीजेआई से एडवाइस लेना मैंडेटरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक एडवाइस इस पर बनता है। होता कैसे है ये, कॉलेजियम एक सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का जो जज के नाम की लिस्ट बनाती है, ट्रांसफर हो या अपॉइंटमेंट हो,
उस लिस्ट को भेजा जाता है लॉ मिनिस्ट्री के पास, लॉ मिनिस्ट्री उसे नोटिफाई करता है और प्रेसिडेंट को के अप्रूवल से पहले इन सारी चीजों को फाइनल किया जाता है। फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने ट्रांसफर किया है। आर्टिकल कौन सा है? 222। कल भी डिस्कस किया था हमने, आज आपका रिवीजन हो गया। एक अच्छी बात यह है कि द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर से अगर आप उसको एज एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, पेपर क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉलिटी पेपर न्यूज़पेपर पढ़ के क्लियर हो जाता है। अब जितना बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ लें कुछ चीजें भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको रिलेट करेंगे डेली लाइफ में आप नहीं भूल पाएंगे कभी, खास करके सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, ये जो क्वेश्चंस आते हैं चलते फिरते क्वेश्चंस हैं। आगे बात करते हैं, आगे सेकंड पेज में तो कुछ नहीं है अपने काम का, क्योंकि ये लोकल न्यूज़ होते हैं। सलाह दूंगा इनके चक्कर में ना पड़ें, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ न्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे लेकिन कोई काम का नहीं होता है। छोटे मोटे अगर टर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली हेडलाइन में कवर कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि HC हाई कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट क्रैकर बैन ऑन अक्टूबर 22। किसी ने PIL दिया है तो हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, क्रैकर पटाखे जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उन पे मैं अपील PIL 22 को सुनूंगा। आपको पता होगा हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट 124 से शुरू होता है और हाई कोर्ट को ये रीट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। तो अपने को जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलेगा, HC जब याद आएगा तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, HC और SC को। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट कोई भी हो उसका फैसला एक लैंडमार्क के तौर पे लिया जाएगा। एक हाई कोर्ट का रेफरेंस दूसरे जगह दिया जाता है कि देखिए उस केस में उस हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो आगे बढ़ते हैं, आप अगर ऐसे न्यूज को ध्यान नहीं भी देंगे तो भी एक दिन ये कवर हो ही जाना है, क्योंकि आज जिस दिन फैसला आएगा उस दिन बड़े बड़े हेडलाइन में आएगा, है ना। तो अभी इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का कैंपेन है अगेंस्ट डस्ट पॉल्यूशन। अब डस्ट पॉल्यूशन एक किस काम, ये किस में आएगा? एयर पॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात है एयर पॉल्यूशन का कंपोनेंट है ये, और एयर पॉल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके हैं PM 2.5, 10 से लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, लेड, लिथियम, ये सारे पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। टोटल 12 हैं, आपको पता है एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने डिस्कस किया है इस चीज को, आप इसके गो थ्रू हो सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना है, इनके डाटा वगैरह नहीं याद रखने हैं, इनके मिनिस्टर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इस पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है। आगे तेलंगाना ने जो प्ली था सुप्रीम कोर्ट में डाला था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कृष्णा रिवर बेसिन में जो आंध्र प्रदेश लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहा है उसके अगेंस्ट तेलंगाना ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो गवर्नमेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कुछ नहीं हासिल कर सकते, आपको ट्राइब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब ने कहा भी है कि सेंटर विल कंसीडर ट्रिब्यूनल, जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला होगा दोनों को मानना भी पड़ेगा, है ना। डिटेल में आप देख लें इस बार, फिलहाल रिवीजन के लिए मैं ये बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो इंटरफेयर करेगा इंटर वाटर डिस्प्यूट में। इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो वो ट्रिब्यूनल होता है और उसका फैसला मान्य होगा जी, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं दिया गया है। और ये आर्टिकल है 262, ये भी याद रखें। आगे कहा जा रहा है राइट टू हेल्थ केयर के बारे में। राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। अपने कंट्री में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई है और उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ही पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, जो कि 2018 से पूरे कंट्री में लागू है, सबको प्रॉफिट मिल रहा है। 5 लाख रुपया एक फैमिली को, 5 लाख रुपया एक फैमिली को सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज करवाने के लिए, हेल्थ केयर के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं। प्राइमरी में कुछ नहीं होना है, हाथ पैर कट गया, कहीं छिल गया, ब्लड आ गया थोड़ा सा, खुद ही मरहम पट्टी कर लो। टर्शियरी और सेकेंडरी के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं और लगभग आधा पॉपुलेशन इंडिया का कवर किया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है ये, हो भी क्यों ना, पॉपुलेशन भी तो है अपना। बात आगे करेंगे हम, इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और पर्सनल न्यूज तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है।
है ना। और ये सब चीजें कि बेबी सेल केस में क्या हुआ, इनर स्टेट कितने लोग गिरफ्तार हुए, ये सब चलते रहता है। ये सब कभी भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पार्ट नहीं बनेगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये न्यूज है इंडोसल्फान से रिलेटेड। इंडोसल्फान बहुत सालों तक इंडिया में ये गलत चीजों के लिए जाना जाता रहा है और आज भी जाना जाता रहेगा। पर्टिकुलरली एक बर्ड था, पक्षी, जो मरे हुए जानवरों को खाता था, यानी ऐसी गंदगी को वो साफ करता था जिसका कोई इलाज नहीं था, मनुष्य को, आदमी को बीमारियों से बचाता था। वो बेचारा खुद इंडोसल्फान का शिकार हो गया। नाम है उसका गिद्ध, वल्चर जिसे बोलते हैं, इसका नाम है वल्चर। ये इंडोसल्फान की देन है कि वल्चर एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया में। जब हम छोटे थे तो वल्चर दिखाई देते थे बड़े बड़े, डर लगता था इन्हें देख करके। आज बेचारे ये खुद ही नहीं है, हमें क्या ऑर्डर आएंगे। ये सफाई का काम किया करते थे, नेचुरल नेचुरल क्लीनिंग। हुआ क्या, जानवरों को जो खाने को मिलता था उसमें इंडोसल्फान आने, इंडोसल्फान के अमाउंट होते थे, और इंडोसल्फान एक ऐसा विषैला पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड टाइप का है, जो धीरे धीरे बॉडी के इम्यूनो सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को खत्म कर देता है। और फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो पर्टिकुलर क्लास स्पीसीज खत्म हो जाएगा। यहाँ इंडोसल्फान एक बार फिर से जो चर्चा में है, वो केरला गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है वहां की अपोजिशन पार्टी ने, यूडीएफ ने। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा कि अपोजिशन पार्टी यूडीएफ का फुल फॉर्म बताओ। यूडीएफ एलडीएफ दो ही तो है वहां पे। तो एलडीएफ को यूडीएफ ने कहा है कि जो एक इंडोसल्फान विक्टिम एक केस हुआ था, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है कासारगोड, कासारगोड में 1976 में, यानी 80 के दशक में एक केस हुआ था। उस केस में ये हुआ था कि कैस्यू की खेती की जाती थी, उस पे इंडोसल्फान स्प्रे किया गया था। कब की बात है ये, 1976 की। और लगभग इसी टाइम पे इंडोसल्फान का यूज बाकी के अन्य प्लांटेशन पे भी किया गया था, जैसे टी हो गया, मैंगो हो गया, इवन नॉर्मल क्रॉपिंग पे भी किया गया था इनका, इंडोसल्फान का यूज। 1980s में ये शुरू हुआ। तो केरला में भी एक डिस्ट्रिक्ट है कासारगोड, ये कैस्यू के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कैस्यू के लिए। इस कैस्यू में किसका अमाउंट आने लगा धीरे धीरे, इंडोसल्फान का, क्योंकि इसका छिड़काव किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कुछ सालों बाद कि वहां पे बच्चे इस टाइप के कुछ पैदा होने लगे। ये देखिए, ये जो किट दिख रहा है आपको, ये किसी ऐसे बीमारी से नहीं ग्रसित है जो नेचुरल हो या किसी और वजह से हो, ये मैन मेड डिजास्टर के कारण हुआ है, इंडोसल्फान की देन है। कैसियो में कोई कीड़े ना लगें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, उसका रिजल्ट ये चिल्ड्रेन है, ये बच्चा, ये चाइल्ड है, ये बच्चा है। और ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रेन हैं, इसमें ये होता है कि यहां से एल्बो के नीचे हाथ ही नहीं होता है, विदाउट हैंड लिम्स, लिम्स नहीं होते कई बच्चों में। इसका आप हेड देख रहे होंगे, सर देख रहे होंगे कितना बड़ा है, आंखें पटर पटर टाइप की है, मतलब ओवरऑल डिफॉर्म्ड बॉडी है। ये तो थोड़ा सा सही भी है, अगर आप रियल वहां के देखेंगे, 90% जो पैदा हुए इंडोसल्फान एफेक्टेड एरिया में, मुझे पूरा यकीन है कि शायद कोई ऐसा बंदा ना हो जो इन चीजों को देखकर अंदर तक ना हिल जाए। बहुत बुरा स्थिति है वहां पे, आज भी वो स्थिति है, आज भी कई बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं इन चीजों की वजह से, और ये हुआ था बहुत पहले। चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंडोसल्फान पे सीएसई ने, सीएसई का मतलब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इसने 2000 के बाद रिसर्च किया उस एरिया में जाकर के, और इसने कहा कि जो अननेचुरल डेथ हो रही है
उम्र से पहले डेथ हो रही है या ऐसे डिफॉर्म्ड बॉडी वाले, डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे इंडोसल्फान का हाथ है, इसका यूज बंद करो। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने 2005 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसे बैन कर दिया। इंडिया में नहीं हुआ था, केरला गवर्नमेंट ने किया बैन इसे। 2011 में एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। उम्मीद है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, पीओपी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पीओपी के लिए, परसिस्टेंट ऑफ पॉलिटेंट के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन कई बार पूछा जाता है। 2011 में ये कन्वेंशन हुआ, उसमें इसे बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहां पीछे रहता अपने कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में बैन कर दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल गई कि जो इंडोसल्फान विक्टिम्स हैं उनको आप कंपेंसेशन दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 500 करोड़ 5000 लोगों में बांटा जाए, 5000 के आसपास विक्टिम थे, इनको 500 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने कंपेंसेशन दिलाया। अब कंपेंसेशन तो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कंपेंसेशन, तो वो कंपेंसेशन के जैसा ही होता है, कंपेंसेशन। यूडीएफ ने उसी को लेकर के आरोप लगाया है कि उनको ना तो पूरे पैसे मिले, ना उनके रहने की व्यवस्था की गई, ना उनपे किसी तरह का उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया। अच्छा जी, इंडोसल्फान और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। एक मैंने आपको बताया वल्चर का केस है ना, वल्चर के एक्सटिंक्शन में आपको याद होगा, एक पिंजौर जगह पड़ता है हरियाणा में, वहां पर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। क्यों जरूरत पड़ी वल्चर को कंजर्व करने की, आखिर एक्सटिंक्शन तक सवाल पैदा कैसे हुआ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैसे हो गया, फिर एक्सटिंक्ट के कगार पे कैसे आ गया, यही इंडोसल्फान के कारण। तो इंडोसल्फान बहुत ही खतरनाक चीज है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से। ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है बहुत पुराना मुद्दा है, नो डाउट। 1992 का केस जो बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें कि इंदिरा साहनी के, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, उस केस में यह हुआ था कि 50% सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दिया था कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे जो भी हो। वो फिर से एक बार चर्चा में है। हुआ यह था कि 2018 में एक जर्नैल सिंह करके केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे और 5 जज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। उस बेंच ने यह फैसला किया था कि 2006 में जो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म फिक्स किया है उसको मॉडिफाई किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट को यह दिया जाए कि वो सर्वे करें और इन चीजों को वेरीफाई करें कि कौन रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन के लायक है, साथ ही साथ वो 50% वाले कैप का ध्यान रखा जाए। गवर्नमेंट परेशान है बेचारी, उसका कहना है कि मैं कुछ करूं तो उसमें अड़ंगा डालते हो। तो उसने टॉप कोर्ट से कहा है कि एक काम कीजिए, आप ही कोटा बता दीजिए, ठीक है, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा है कि भाई बार बार तुम इसको क्यों ओपन कर रहे हो, मैं 2018 में कह चुका हूं कि ये सेटल्ड है ऑलरेडी, मामला ये सेटल्ड है। सेटल का मतलब होता है इस पे फैसला आ चुका है और फैसला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑथेंटिक डाटा के बाद गवर्नर से कंसल्ट करके तभी वो प्रमोशन में इधर चीजें इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं और 50% के कैपिंग का तो ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। सो इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एडिटोरियल में कुछ चीजें आपको मिलेंगी। एडिटोरियल में जैसे इधर ट्रेड मल्टीलैटरिज्म की बात हो रही है, ये एक है, इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्स एक्जेंस
जो एग्जिस्टेंशियल उसका क्राइसिस है उसे फेस कर रही है, यानी कोई भी चीज अपने एग्जिस्टेंस के कारण जो क्राइसिस करे, ना वो एग्जिस्ट करेगा ना क्राइसिस होगा। इनका भी कहना सही है, अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा ट्रिप्स को जिस तरह से उछाला गया कि ट्रिप्स जब तक है तब तक हर एक कंट्री को ये राइट नहीं मिल सकता कि वो कोविड के वैक्सीन बनाए। जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास रॉ मटेरियल्स हैं वैक्सीन के, वही वैक्सीन डेवलप कर सकता है। तो ये बहुत गंदी चीज थी। यूएसए के अगेंस्ट इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका WTO में उन्होंने आवाज भी उठाया, बट वही है कि वी आर डेवलपिंग एंड आवर वर्क इज इन प्रोग्रेस। सो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने इस प्रोविजन को, ट्रिप्स के प्रोविजन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। तो इनका बहुत सही कहना है, आप इसमें डिटेल में जाएं, आपको मेंस का मटेरियल मिलेगा, इंटरव्यू के लिए मटेरियल मिलेगा। प्री के लिए WTO बना कैसे था, 1995 में गार्ट से अलग हुआ था, हालांकि गार्ट अब भी इसका एक पार्ट है। इसके तीन बॉक्सेस हैं, उन पे आपका खास ध्यान रहे, खास करके एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इन सब चीजों के बारे में आपको पता हो। WTO के जो राइट नाउ डायरेक्टर जनरल हैं, फर्स्ट वुमेन है वो साउथ अफ्रीकन कंट्री की, है ना, ये सारी चीजें आपको पता हो। एक और आर्टिकल है जिसमें रिसेंटली जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है हर तीन महीने बाद, उस पर ये दो लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, ऑब्जेक्शन किया है। इनका कहना है कि ये सर्वे बहुत ज्यादा डाइफंग टाइप का है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। आपको यहां से ये सेलेक्ट करना है कि अनइंप्लॉयमेंट होता कितने टाइप का है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करवा रही है, और जो रिसेंट तक का अपडेट है वो ये है कि 42.6% इंप्लॉयमेंट अकेले एग्रीकल्चर दे रही है। 8% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। कितने परसेंट? 8% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी बाकी के अनऑर्गेनाइज्ड में 92% लोग। तो ये सब डाटा क्या है कि साल में, दो साल में, पांच साल में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीन महीने का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सपोज कि ये अप्रैल जून का डाटा है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, और इसमें कुछ बातें कही गई कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया। आप मेंस लिख रहे हैं जनवरी 2022 में, अब जनवरी 2022 में आप अप्रैल जून 2021 का डाटा तो नहीं देंगे। सो डाटा में नहीं जाना है, वैसे डाटा में कभी नहीं जाना है, ऐसे डाटा को कभी नहीं रटना है जो टेम्प्रोरी टाइप का हो। इसकी बजाय आप ये सुनिए, समझिए बेसिक बिल्कुल कि अनएम्प्लॉयमेंट होता कितने टाइप का है, उसके क्या क्या, उस पर कौन कौन सी कमेटी बनी है, पॉवर्टी कमेटी कौन कौन सी बनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।